नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो तहलका मचा देगी। जी हां, खबर ही कुछ ऐसी है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। हिंडनबर्ग रिसर्च के एक दावे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि हिंडनबर्ग जब भी किसी को लेकर कोई खुलासा करता है तो उससे उस कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, जैसा कि गौतम अडानी को बीते साल उठाना पड़ा था। वहीं अब हिंडनबर्ग के निशाने पर सेबी है। जी हां, हाल ही में हिंडनबर्ग ने अपने खुलासे में दावा किया है कि सेबी चेयरमैन और अडानी ग्रुप के बीच बड़ा कनेक्शन है। हिंडनबर्ग ने बताया कि विस ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी चेयरमैन की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट कर एक भारतीय कंपनी से जुड़े एक और बड़े खुलासे का संकेत दिया था। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने पोस्ट में लिखा था, भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है, जिसको लेकर देश में चर्चाएं तेज हो गई थी और हर कोई ये जानने को आतुर था कि हिंडनबर्ग अब कौन सा बड़ा धमाका करने वाला है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीते साल की शुरुआत में अरबपति गौतम अडानी को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने भारत के मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर निशाना साधा है और ये भी अडानी मामले से ही जुड़ा हुआ है। शनिवार को जारी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि सेबी चेयरमैन और उनके पति धवल बुच के पास गौतम अडानी के पैसे की हेराफेरी में इस्तेमाल किए गए दो ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। ऑफशोर फंड्स को इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जा सकता है। ये दरअसल विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की स्कीम की तरह ही है, जो किसी स्पेशल सेक्टर या कंपनियों अथवा नियमित आय की सिक्योरिटीज में निवेश करती है। वहीं इस रिपोर्ट के संबंध में सेबी चीफ माधवी पुरी बुच की ओर से स्टेटमेंट जारी कर सफाई दी गई है और इन आरोपों को निराधार बताया गया है। तो वहीं अब इस मामले में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप की ओर से भी बयान जारी किया गया है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किए गए दावों को सिरे से खारिज किया गया है। ग्रुप ने इन आरोपों को तथ्य और कानून की उपेक्षा वाला करार दिया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस रिपोर्ट में लगाए गए आरोप दुर्भावनापूर्ण और तथ्यों को जोड़ तोड़कर पेश किए गए हैं। हम समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं, जो सिर्फ हमें बदनाम करने वाले दावों की रीसाइक्लिंग है। बता दें कि जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अरबपति गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। उसके बाद अडानी समूह के शेयरों में करीब 86 बिलियन की गिरावट आ गई थी। शेयर की कीमत में इस भारी गिरावट के बाद में समूह के विदेश में सूचीबद्ध बॉन्ड में भारी बिक्री दर्ज की गई थी। साथ ही सेबी ने भी हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था। ऐसे में अब हिंडनबर्ग का सेबी को लेकर ये दावा कंपनी के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।